असलम वेलकम बैक टू माई चैनल होप्स कि आप सब ठीक ठाक होंगे फर्स्ट क्लास होंगे और बड़े मज़े से होंगे और आज मैं आपके साथ जो है वो एक फ़ेस पैक शेयर करूँगी जो कि आपके फेस पर लेकर आएगा एक इंस्टेंट ग्लो वो भी सिर्फ पंद्रह मिनट में अच्छा इस फेस पैक को हम बनाएंगे जी टमाटर का जूस या टमाटर के पल्प को आप कह लो कि यूज़ करेंगे इसमें और टमाटर जो कि आप कह लो कि रिच ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई e से लोडेड होता है और इसमें पाए जाते हैं ऐसे बहुत से एंटी जो कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं ग्लोइंग बनाते हैं पोर्स को श्रिंक करते हैं टाइटनिंग प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन साथ साथ को भी करते हुए वो आपके फेस पर लेकर आएगा जी इंस्टेंट ग्लो और वो ग्लो जो कि सर्दियों में बिल्कुल खत्म हो जाता है नजर ही नहीं आता ठीक है जी यह फेस पैक आपकी स्किन को बेसिकली जो है वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा आपके फेस पर ग्लो लेकर आएगा और आपकी फेस पर जो है डार्क स्पॉट थान को भी टारगेट करेगा मतलब उनको भी लाइटर करेगा और कलर को भी लाइटर करेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये फेस पैक है चले जल्दी से बना लेते हैं इस फेस पैक को और इसको अप्लाई भी करते हैं अपने फेस पर तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए है बनाते हैं इसको लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और जी बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है अदरवाइज आपसे मेरी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज है वो स्किप हो जाएंगी तो चलें जल्दी से बना लेते हैं हम अपने फेस पैक को हाँ जी तो इस शानदार से पैक को बनाने के लिए जहाँ पर जी सबसे पहले तो हमें चाहिए जी टमाटर का पल्प और ये यहाँ पर मैंने टमाटर का पल्प यूज़ किया आप चाहें तो टमाटर का जूस भी ले सकते हैं अच्छा जी टमाटर का पल्प निकालना बहुत ही आसान है यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था उसको इस तरह से हम कश कर लेंगे इस तरह करने से कश करने से जो है छिलका वो सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा जी टमाटर का पल्प और जूस दोनों एक साथ चाहे तो आप इस तरह से कर लें अगर वो इस ग्राइंडर में ग्राइंड करके जूस निकाल सकते हैं तो कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है और ज़बरदस्त सब टमाटर का पल्प हमारे पास आ चुका है जी अब जी इसमें हम डालेंगे जी वन टी स्पून मैंने इसमें रोज़ पाउडर डाल दिया है और रोज़ जो कि जितना खुद देखने में खूबसूरत होता है जहाँ से हमारी स्किन को ख़ूबसूरत बना देते हैं इतने ज़्यादा इसमें विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं रोज़ पेटल्स के अंदर रोज़ में यहाँ पे मैंने वन टीस्पून रोज़ का पाउडर यूज़ किया है और वन टीस्पून स्पून ही हम इसमें ऐड कर देंगे जी हनी शहद और शहद हमारी स्किन से स्कार्स को दूर करती है लाइट करती है उनको कलर को वाइट करती है और हमारे फ़ेस को आप कह लें कि नरिशमेंट और हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है तो बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त होती है हनी हमारी स्किन के लिए वो उसमें मैंने डाल दी वन टी और अब वन एक अदद इसमें हम डाल देंगे जी वाइटामिन ई का कैप्सूल और अगर आपके पास वाइटामिन का कैप्सूल ना हो तो कोई बात नहीं इसकी जगह आप वाइटामिन ई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों को जो जब हमने इसमें ऐड की थी अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करने के बाद हमारा जो ये जो ग्लोइंग मास्क है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ अभी कहानी बाकी है क्योंकि जी अब इसमें हम ही हम डालेंगे जी ऐड करेंगे वन टीस्पून जी आप कह लेंगे जी मुल्तानी मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी के मिट्टी के फ़ायदे के बारे में कौन नहीं जानता कितने बेतहाशा फ़ायदे होते हैं ये वन टीस्पून ऐड करने के बाद इसको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स 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 तो फेस पैक हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम मेरे हाथ में है बन के तैयार हो चुका है और ये ज़बरदस्त सा जो फ़ेस पैक है ये फेस पैक मतलब कहीं भी आपने जाना है नहीं भी जाना कहीं तो आप लगा सकते हैं तो ये फ़ेस पैक आपके फेस इसको आपने अपने फेस पूरे फेस पर जो है वो अप्लाई कर तो चलिए जी अब इस फेस पैक को बारी है अप्लाई करने की अप्लाई कर लेते हैं अपने फेस पर तो ये कि मैंने अपने फेस पर जो है वो जुलरी वगैरह मैंने रिमूव कर दी थी और मैंने अपने फेस पर जो है वो कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ है वो जस्ट आप कह सकते हैं कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी क्योंकि जी सारी बात है आप लोगों के सामने थोड़ा सा प्रजेंटेबल भी तो दिखना होता है इसलिए फिर मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली थी और मेरे फेस पर कुछ भी नहीं अब मैं इसको अप्लाई करने लगी हूँ फेस पैक को और अप्लाई कर लेते हैं इसको हम अपने फेस पर

बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको इनशाला और जो फेस पर, जो ग्लो का होता है ना वो तो आपके फेस पर आएगा लेकिन उसके साथ है कि आपकी के से और प्रॉब्लम्स को भी टारगेट करेगा जैसे कि डार्क होल्स हो गए और आपके पिगमेंटेशन है या तो आपके कर पे आपके कर और आप भी तमाम की आपके घर में होंगी इनको बना के आप अपलाई करें मैंने अप्लाई कर लिया अपने फ़ेस पर और इसको अब जो है वो मैं पंद्रह मिनट तक जो है वो अपने फेस पर रखूंगी और पंद्रह मिनट के बाद जो है मैं अपने फेस को जो है वो नॉर्मल वाटर से हल्का हल्के हाथों से मसाज करके इसको रिमूव कर लूँगी और उसके बाद फिर पंद्रह मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ मैं जी तो फेस मैंने अपना पंद्रह मिनट रखने के बाद वॉश कर लिया है और ये देखें जी मेरे फेस पर आप ग्लो चेक कर सकते हैं अगर आपको क्योंकि मैंने कोई भी इस टाइम रिंग लाइट नहीं लगाई हुई कि रिंग लाइट लगा के मैं अपने फेस पर आपको जो है वो ग्लो दिखाऊं मैंने कोई रिंग लाइट नहीं लगाई हुई सिंपल कैमरा में ये देख सकते हैं आप मेरा होप्स हो कि आपको ठीक से नज़र आ जाए तो ये देखें जी तो ये ग्लो जो आया है वो इस फेस पा फेस मास्क की बदौलत आया है तो आप भी बनाएं इस फेस पैक को और अप्लाई करें अपने फेस पर देश की इस बात की तमाम की तमाम चीज़ें आपके घर में ही मौजूद होंगी और बना के लगाएं इस फेस पैक को और इसके फ़ायदे को फ़ायदे उठाएं और मैं आपसे मिलती हूँ मैं लेती हूँ आपसे जैसे इनशाला इसी तरह की कि किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें इनशाला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक लीजिए अला हाफि